सभी का स्वागत है। सुरजीत जाखड़ मैजिशियन ऑफ फिजिक्स जो हमारा चैनल है, कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे आज हम लोग उससे आगे टॉपिक पढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जो फर्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका अगला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी बोल देते हैं एक्सियल लाइन। आज हम उसका डेरिवेशन करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा कैसे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट कि एक्सियल लाइन आखिर चीज क्या होती है। स्टूडेंट, एक्सियल लाइन का मतलब हो गया, हमें पता है कि एक डाइपोल होता है। डाइपोल के अंदर हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये डाइपोल है। जो लाइन डाइपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्रॉस करेगी उस लाइन को एक्सियल लाइन हम लोग नाम देते हैं। द लाइन विच पासिस स्ट्रेट थ्रू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि जो लाइन डाइपोल के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में से सीधी क्रॉस कर जाएगी उसको एक्सियल लाइन हम लोग नाम देंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जब हम लोग इसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं, अगर आप लोग इसका डायग्राम ध्यान से समझेंगे तो आप इस डेरिवेशन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक डाइपोल है, हमने कहा नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू चार्ज हमारे पास रहेंगे। हमने कहा कि इसका जो डाइपोल हमारे पास रहेगा, जो लेंथ रहेगा वो हमने मान लिया 2a। देखिएगा स्टूडेंट, ये डिस्टेंस 2a, अभी हमने कहा कि एक्सियल लाइन हमने इसको नाम दिया, यहाँ पे हम लोग कोई चार्ज प्लेस करते हैं पॉजिटिव क्यू, टेस्ट चार्ज जिसको हमने नाम दिया था। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो हमने यहाँ रखा है, इसका मिडल पॉइंट से ये जो डिस्टेंस रहेगा हमारे पास रहेगा x। ध्यान से सुनना आप लोगों ने स्टूडेंट, ये टोटल हमारे पास 2a है, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ क्या बचेगा a, और ये भी बचेगा हमारे पास a। तो ये रहेगा हमारे पास x, ये हो गया a, तो आप बताएंगे कि ये क्या होगा, ये डिस्टेंस बचेगा x माइनस a, याद रखना आप लोगों ने। अब स्टूडेंट, मिडल पॉइंट से ये डिस्टेंस x है, ये x रहेगा, ये a रहेगा, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास रहेगा दैट शुड बी x प्लस a। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम जब अच्छे से समझ में आएगा तो आप किसी भी डेरिवेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा डायग्राम था जो आपको ध्यान से देखना था। अब हम लोग इनको नाम असाइन करते हैं। हमने कहा पॉइंट a, b और c। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इस पॉजिटिव क्यू चार्ज जो टेस्ट चार्ज है, हमें उसके ऊपर इफेक्ट निकालना है। एक बार हम लोग इसकी बात करेंगे, एक बार हम लोग इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं b और c के कारण। तो हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस एट द एंड सी। स्टूडेंट, हमें इन दोनों की वजह से इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। आप सभी जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला, 1/4πε0 क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर जिसको हमने नाम दिया था स्टूडेंट। लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंस है, यहां जो दूरी है इनकी, वो क्या रहेगी x माइनस a। तो हमें r की जगह यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, x माइनस a का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आपको याद रखनी है। अब बात आती है स्टूडेंट यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, मायने रखती है डायरेक्शन। ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को उस तरफ रिपेल करेगा, धक्का लगाएगा बाहर की तरफ। तो यहाँ डायरेक्शन होगी बी टू सी, आप डायरेक्शन क्या देंगे बी टू सी, आपको याद रखना है। अब बात आती है स्टूडेंट इन दोनों की वजह से इंटेंसिटी में फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट ए एंड सी। यहां दोनों की हम लोग बात करते हैं, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। तो स्टूडेंट, इंटेंसिटी जो रहेगा ए टू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होगा आप लोगों के पास, ये जो डिस्टेंस है हम इसको नाम देंगे x प्लस ए स्क्वायर, याद रखना इक्वेशन नंबर 1 पास रहेगा स्टूडेंट, ये रहेगा 2।
अब यहाँ बात आती है डायरेक्शन हमारे पास, आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी सी टू ए, हम लोग इसको बोल सकते हैं सी टू ए, इस तरफ वो इसको क्या करेगा हमारे पास अट्रैक्ट करेगा। स्टूडेंट ये तो आ गया हमारे पास दोनों की इंटेंसिटी, अब हमें निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आप सभी जानते हैं हमें रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें चाहिए वो फाइंड आउट करनी। अब स्टूडेंट कई बार क्या होता है, हम लोग कई बार इसको इवन मान लेते हैं, इसको ए टू, कई बार इसको ए टू और इसको इवन हम लोग मान लेते हैं, और हम लोग कहाँ उलझते हैं सबसे मेन, कि या तो ए टू में से इवन घटेगा या इवन से ए टू घटेगा, हमें उस लॉजिक पर नहीं चलना है। हमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, हमेशा बड़े में से छोटा हम लोग घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और इनमें से बड़े और छोटे का फैसला हमें कैसे करना है आप ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट ये लगाएगा या ये लगाएगा, तो आप जानते हैं कि जो नजदीक होगा उसके अंदर पावर ज्यादा होगी, वो फोर्स ज्यादा लगाएगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब इसके ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी ये लगाएगा और कम ये लगाएगा, तो हमें क्या करना है, बड़े में से छोटा हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो हमारे पास बड़ा हमने किसको बोला है यहाँ ईवन को, तो हम लोग क्या लिखेंगे E1 माइनस E2। स्टूडेंट इस डेरिवेशन का सबसे जो मेन लॉजिक रहेगा वो ये स्टेप रहेगा कि हमें किस में से कौन सा घटाना है, हमें ना E2 की बात करनी है ना हमें E1 की बात करनी है, हमें सिर्फ ज़्यादा में से छोटा घटाना है, मैक्सिमम में से हमें मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना है, ये रहेगा। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 1/4πε0 स्टूडेंट q/x-a² 1/4πε0 q/x + a का स्क्वेयर आपको याद रखना है, हमारे पास नोटेशन रहेगी। अब इसमें से हम कोई चीज कॉमन निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं 1/4πε0 q, तो हमारे पास 1/x-a² यहां से जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 1 हमारे पास बचेगा, कॉमन जा चुका है ना, x + a का स्क्वेयर, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आप एक चीज जानते हैं कि हमारे पास 1/4πε0 स्टूडेंट क्यू रहेगा, अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, हम लोग इसका एलसीएम लोग उत्तम लेंगे आप जानते हैं, तो हम क्या करेंगे x - a² x + a² स्टूडेंट हमने इसको ऐसे लिखा। अब आप जानते हैं कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे जो बचेगा वो चीज़ हमारे पास हम लोग यहाँ लिखेंगे, एलसीएम आप लोग अच्छे से आता है, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो हम लिखेंगे x - a का स्क्वेयर, आपको याद रखना है स्टेप। अब स्टूडेंट बात हमारे पास आती है 1/4πε0 q, अब हम इसको सोल्व करेंगे, a² b² 2ab हमने फॉर्मूला पुट किया, यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं a² + b² - 2ab हमने ये पुट किया। अब स्टूडेंट इन दोनों को हम लोग इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं, x - a और x + a का इकट्ठा स्क्वायर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। अब बात आती है, देखिए जब ये नेगेटिव सिंबल है और ब्रैकेट के बाहर है, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इनका निशान चेंज होगा, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, हम डायग्राम को साफ कर देते हैं स्टूडेंट, तब हमारे पास रिजल्ट जो बचेगा, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है, माइनस और माइनस क्या होगा, +2x है और ये +2x है, तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो होगा 1/4πε0, यहाँ से हमने लिखा q, स्टूडेंट 2x है एंड 2x है, दैट इज 4xa। अब यहाँ से देखिएगा a - b और a + b, a² - b² का हमने यहाँ पे लिखा होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक रिजल्ट हमारे पास बन चुका है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमने p को कल क्या लिखा था, 2aq, तो मैं वही नोटेशन मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, जरा गौर से आप देखिएगा, e 1/4πε0 q, इस चार को लिखा 2 × 2, ये हमारे पास x हो गया, यहाँ से हमने लिखा a² - a² का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि 2aq ये पूरा रिजल्ट किसके बराबर आएगा,
पी के, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4πε02πx डिवाइडेड बाय x² - a² का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये अपना डेरिवेशन है जो हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब बात आती है हम लोग इसके केसेस भी बना सकते हैं। अगर हम लोग कह देते हैं आपके पास, सबसे पहले फर्स्ट केस हम कहते हैं कि हमारे पास एक हम लोग पहला केस बनाएंगे जब x निगलेक्ट होगा, और दूसरा जो केस होगा उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, a निगलेक्ट होगा। हम लोग इसको बताते हैं आपको, जरा गौर से देखिएगा। स्टूडेंट मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ हम दो चीजें डिस्कस करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट केस हम लोग कहते हैं, कि a लेस देन x, और दूसरा ये दो केस हम लोग बना के चलेंगे। देखो पहला केस क्या कहता है, अगर a बिल्कुल छोटा हो जाए, इट मीन्स a को हम निगलेक्ट कर देंगे, और अगर हम लोग a को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट शुड बी 1/4πε02πx। हमने ये को नेगलेक्ट किया तो ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, नेगलेक्ट जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास x4, हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4πε02πx³। सेकेंड स्टेट हम लोग कहते हैं, अगर हमारे पास x नेगलेक्ट हो जाए के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो डाइपोल के मिडल में हमने रख दिया है, तो उसके ऊपर जब हम कहते हैं कि जब कोई चीज़ हमने इन दोनों के मिडल में अगर हम यहाँ किसी चीज़ को रखेंगे तो इसके ऊपर ये भी बराबर इफेक्ट डालेगा और ये भी बराबर इफेक्ट डालेगा, तो इसके ऊपर नेट इफेक्ट क्या रहेगा, जीरो। वो मुझसे भी देख सकते हैं, हमने यहाँ से आपसे कहा कि हमारे पास अगर x निगलेक्ट हो जाए, हम यहाँ से x को अगर जीरो रखते हैं देन इंटेंसिटी शुड बी जीरो। स्टूडेंट ये हमारे पास एक छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन था जो हमने एक्सियल लाइन की बात की थी। अब मैं इक्वेटोरियल लाइन की आपसे बात करूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। स्टूडेंट हमारा अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है, अभी हमने पढ़ा एक्सियल लाइन, अब आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान से सुनिएगा, हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन रहेगा। स्टूडेंट इक्वेटोरियल लाइन, देखिए सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन चीज क्या होती है, हम लोग कहते हैं इट इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। एक ऐसी लाइन जो एक्सियल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी और डाइपोल को बराबर हिस्सों में तोड़ेगी, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। याद रहेगा, एक ऐसी लाइन जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी और जो डाइपोल को बराबर पार्ट्स में तोड़ेगी, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। या सबसे पहले हम लोग डायग्राम से शुरुआत करेंगे, डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमने आपसे कहा कि ये हमारे पास डायपोल नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, और डायपोल लेंथ हमने इसको नाम दे दिया 2a। अब स्टूडेंट हमने कहा था कि ये जो मिड पॉइंट था, यहां से पिछले लेक्चर में हमने यहां एक चार्ज रखा था पॉजिटिव क्यू और इसको मैंने नाम दिया था x। अब इसको मैं उठा कैसे ऊपर ले आता हूँ, पहले यहाँ था एक्सियल में, हम इसको ऊपर लेके आ गए तो हमारे पास ये जो चीज बनेगी, हमारे पास ये बनेगा x और यह चार्ज रहेगा पॉजिटिव q। याद रहेगा एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर, और ये इसको क्या करेगा, बराबर पार्ट्स में तोड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब स्टूडेंट देखो क्या कहता है हमारे पास, हम कहते हैं कि इन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ये रहा तो, और इन दोनों का हमें डिस्टेंस ये रहा। आप जानते हैं ये एक्स है, ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, ये रहेगा x² + a² का रूट। आप जानते हैं ये एक्स है, ये ए है, तो हमारे पास ये जो रहेगा पाइथा से ये रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा चार्जेस का स्प्लिट। हमने नाम दिया था ए बी और सी। अब स्टूडेंट डायरेक्शन मायने रखती है, देखिएगा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का लगाएगा, रिपल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इस तरफ धक्का लगाएगा ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में भागेगा और इंटेंसिटी रहेगी इवन। दूसरा हमने कहा कि ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, हमने कहा थीटा, तो क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास कंपोनेंट्स में जब हम इसको तोड़ते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर में, तो ये हो जाएगा इधर E1 cos थीटा, और स्टूडेंट यहाँ जो रहेगा वो रहेगा
इवन साइन थीटा आपको याद रखनी है चीज। अब दूसरी बात स्टूडेंट देखिएगा गौर से, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ये नेगेटिव जो डाइपोल का इस पॉजिटिव को इस तरफ खींचेगा, तो ये चार्ज इस तरफ चलने की कोशिश करेगा, तो इसकी इंटेंसिटी रहेगी इधर E2, और जेंटिक्रत एंगल बना रहा है थीटा, तो ये E2 होगा, तो ये कंपोनेंट्स में जब टूटेगा इधर E2 cos थीटा, और यहाँ रहेगा इस लाइन के ऊपर रहेगा E2 sin ऑफ थीटा, स्टूडेंट याद रहेगा। अब बात आती है स्टूडेंट डायरेक्शन की, अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इधर धकेलता है, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी बी टू सी, और ये पॉजिटिव को नेगेटिव इधर खींचता है, तो डायरेक्शन रहेगी सी टू ए। सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स में डायग्राम को तोड़ना होता है, आपको ये बात याद रखनी है। ये रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर आपने पढ़ा था कि एंगल के साथ हम लोग लेंगे कोस और एंगल से दूसरी तरफ लेंगे हम लोग साइन, ये हमारा डायग्राम था। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमें इंटेंसिटी इन दोनों की निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट बी एंड सी इन दोनों के कारण। तो आप जानते हैं इंटेंसिटी 1/4πε0 क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, लेकिन आप जानते हैं डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये रहा। तो हम लोग आर की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा हमारे पास 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको याद रखना ये रिजल्ट हमारे पास रहेगा इक्वेशन नंबर एक। आप सुन देखिए इन दोनों का इंटेंसिटी में फाइंड आउट करना, और पता है इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, बी टू सी इधर जाएगा क्योंकि रिपेल करेंगे। अब बात आती है ए टू सी, इनकी हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग कहेंगे जब ए और सी की वजह से इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी ई टू क्या होगा इन दोनों की वजह से 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वेयर आएगा यहां भी, लेकिन डिस्टेंस कितना हमारे पास, हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और डिस्टेंस का हम लोग ये कर दें कैंसिल आउट, रूट होके क्या बचेगा 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये हमारे पास ई टू बचेगा। आप स्टूडेंट नोट करने की बात के E1 E2 की वैल्यू बराबर है दोनों की, तो आप ध्यान से देखिएगा E1 is equal to E2 is equal to 1/4πε0 Q by X square plus A square, ये रिजल्टेंट हमारे पास आ चुका है, E1 E2 दोनों बराबर है। अब हम लोग इस पॉइंट पे इस जगह पहुंचेंगे स्टूडेंट, यहां क्या होगा गौर से सुनिएगा। आपको याद है पुरानी फिल्मों में धर्मेंद्र को देखा करते, एक बंदा रास्ता बांध के धर्मेंद्र को इधर खींचता था, एक इधर खींचता था, वो बीच में खड़ा रहता था, कहता था खून पी जाऊंगा, कोई बहादुरी का काम नहीं था स्टूडेंट, वो जितनी ताकत से उधर वाले लोग खींचते थे उतनी ताकत से उधर वाले लोग खींचेंगे, तो धर्मेंद्र के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, जीरो। वही हम यहाँ प्ले करेंगे कि E1 E2 बराबर है, इधर E1 साइन थीटा इस तरफ E2 इस तरफ, ये दोनों आमने सामने होंगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, याद रखना है। तो हमारे पास कहता है E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, so cancel each other, so cancel each other, एक दूसरे को कैंसिल, ये दोनों हमारे पास कर लेंगे, आपको ये बात याद रखनी है। अब बात आती है स्टूडेंट्स ये दोनों, अगर सभी लोग धर्मेंद्र को एक तरफ खींचने लग जाए रस्से बांध के, तो उनको घसीट ले जाएंगे क्योंकि सबकी ताकत एक तरफ होगी, तो यहां भी ये दोनों एक तरफ इसको खींचेंगे तो टोटल इनका क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो रिजल्टेंट स्टूडेंट क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा, याद रहेगा। लेकिन स्टूडेंट E1 E2 दोनों बराबर है, तो यहां मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूं, चाहे मैं इसको E1 लिख दूं चाहे मैं इसको E2 लिख दूं, तो मैं इसको यहां चेंज करके लिख रहा हूं E1, तो हमारा रिजल्ट जो बनेगा 2E1 cos ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट देखिएगा E हमारे पास ये रहा 2, ये रहा, E1 कितना है हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 1/4πε0 Q by X square plus A square। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट cos थीटा क्या होगा, गौर से देखिएगा ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं,
ये ऐसे और ये ऐसे, और ये लाइन इनको काट रही है। जैसे आपने टेंथ में पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है तो ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये और ये आपस में काट रहे हैं, ये इनको ऐसे काट रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। और इस ट्राइंगल के अंदर से मुझे कोस थीटा चाहिए, तो कोस थीटा की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास स्टूडेंट, वो क्या रहेगी, जो कोस थीटा रहेगा आप लोग ध्यान से, क्या होगा हमारे पास, ए बाय ए। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कोस की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ए रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग स्टूडेंट पहुंच चुके हैं। अब मैं डायग्राम साफ कर रहा हूँ, डायग्राम का हमारा रोल प्ले जितना भी था वो खत्म हो चुका है। अब देखिएगा स्टूडेंट, छोटी सी कैलकुलेशन रह चुकी है हमारी सिर्फ। अब यहां से देखिएगा, हमने यहां से लिखा इज इक्वल टू टू इंटू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हमने लिखा क्यू बाय देखिएगा इंटू ए। स्टूडेंट यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहां वन है, और यहां पावर रूट मीन्स वन बाय टू, हाफ आधी है। अगर आधार समान हो तो गाते जुड़ जाती है, बेस सेम होते हैं तो पावर एड हो जाती है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू। अब आप जानते हैं टू ए क्यू हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है, पी के। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू। ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन का प्रूफ रहेगा। स्टूडेंट आप इसको आगे अगर सोल्व करना चाहें तो आप लोग ये भी कह सकते हैं। हम लोग अगर कह देते हैं कि हमारे पास ए काफी छोटा हो जाए एक्स से, तो रिजल्टेंट शुड बी वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट शुड बी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय एक्स क्यूब। आपको याद रखना है स्टूडेंट, क्यूब रहेगा हमारे पास ये। इसी तरीके से अगर हमारे पास x नेग्लेक्ट हो सकता है इसे, तो हमारे पास c कैंसिल हो गया, हमारे पास रिजल्ट a में बचेगा। स्टूडेंट हमारा आज का जो टॉपिक था एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन है, ये आपको ध्यान से एक बार इसको समझना है। बिल्कुल सिंपलर वे में हमने इसकी बात की है। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आगे हम और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट और टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।